का उल्लंघन करेगा उसको उसका दंड भी दंड मिलेगा, भोगना पड़ेगा। तो निकाल दिया जाएगा सीधी। डीजे लाए वो एक नियमित हाइट जो प्रशासन ने नियुक्त किया उस तक लाए जी, और मर्यादा में ही सीनरी को लगाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेगुलर एप्लीकेशन आए जा रही है। अगर उधर की बात करो तो भाई के हाथ में देख सकते हैं बंडल एप्लीकेशन होगा। जो कमेटी को एप्लीकेशन आती है ना, जिनकी जहाँ की निकलती है, डीजे सेटअप निकलता है या अपना कोई स्वरूप निकालना चाहते हैं या प्रसाद का ठेला निकालना चाहते हैं, उन लोगों की यहाँ पर रेगुलर एप्लीकेशन आए जा रही है। तो अभी कुछ देर में आपको पूरा कमेटी का इंटरव्यू दिखाएंगे, पूरी कमेटी से बात करके दिखाएंगे कि उनकी क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं और कैसे कैसे यात्रा निकलेगी, पूरी डिटेल दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों बने रहना, आपका भाई आपका दोस्त राकेश आ चुका मुजफ्फरनगर, पूरी डिटेल देगा आपको, पूरी यात्रा जीरो से लेकर एंटेड पॉइंट तक सब कुछ दिखाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, देखो रेगुलर एप्लीकेशन आ रहे हैं। अभी भैया एप्लीकेशन लेके आए कि कुछ मेरे पास रह गई थी, ये कुछ लोगों की रह गई थी उस दिन मेरे पास। तो देख रहे हैं रेगुलर गड्ढे के गड्ढे आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलने वाली, बहुत बड़ा हजूम उतरने वाला, क्योंकि जन्मोत्सव किसका है, बाबा का, बाबा तो सबसे बड़े हैं, तो जबरदस्त हजूम उतरने वाला। बस आप आना मुजफ्फरनगर कल, कल सुबह से ही आ जाओ दोस्तों, और पूरे दिन पूरी रात रहो यहीं पर आपको। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, और मैं समझता हूँ एकदम मस्त होंगे दोस्तों। मेरी सुबह से वेट करते करते, आखिर कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता और मेहनत करी जाए तो उसका भी फल अच्छा मिलता। सुबह से कमेटी का इंतजार कर रहा हूँ, अब आके कमेटी मेरे हाथ में आई है। और ये कमेटी है हमारी यहाँ मुजफ्फरनगर में, जो बालाजी शोभा यात्रा निकलती है उसकी ये फुल कमेटी यहाँ पर बैठी हुई है। तो दो चार बातें हम बूझ लेते हैं इन लोगों से कि कैसे कैसे प्लान रहने वाला है। सर पहले तो मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन चाहूंगा, क्योंकि मेरी आप लोगों से पहली मुलाकात है आज, तो मैं सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगा। योर गुड नेम सर? मैं भीम कंसल। भीम कंसल जी। और बाबूजी आप? अनिल गोयल। अनिल गोयल जी। हरिशंकर पायल। हरिशंकर पायल जी। जी राकेश अरोड़ा जी। भैया आप? कुलदीप। कुलदीप तो ही। और हाँ बाबूजी आप थोड़ा सा इधर को आ जाए। मैं वहाँ बैठ जाऊँ? इधर मोटी है लाठी। मोटी है लाठी। तो यही हंसी खुशी के पल होने चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ यही हंसी खुशी के पल होने चाहिए, इसी से सम्मान बने रहते हैं, हमेशा के लिए बने रहते हैं। तो सर जैसे ये कल बालाजी शोभा यात्रा की जो ये सवारी निकलने वाली है, सबसे पहले तो ये आप लोगों की जो ये कमेटी है और ये मंदिर जो है, ये कमेटी कब से है और ये मंदिर कब से है? देखो जी, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर पूरी कमेटी नहीं बैठी। जी जी। नंबर एक जी, कमेटी के कुछ ही लोग बैठे हैं, बाकी कमेटी के लोग नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, ये कमेटी तो 98 से जब से मंदिर का निर्माण हुआ है, जब से 98 से जब से कमेटी है, जब से ये सब लोग जुड़े हुए। तो अगर मान के चले तो जैसे यहाँ पर हमारे 5-7 आदमी 10 आदमी हम लोग बैठे हैं, तो कमेटी में आप लोग कितने मेंबर होंगे? देखो मेरे को 27 मेंबर है इसमें। जी जी। 27 प्रेजेंट है, टोटल कितने थे? 31 थे, जिसमें से 4 आदमी जी 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 मृत्यु हो चुकी। ठीक है, अब इस समय 27 रह गए। तो जब से मंदिर बना तब से रेगुलर यात्रा निकलती चली आ रही है? हाँ जी। और ऐसी भव्य या इसका स्वरूप दिन ब दिन बढ़ता चला है? दिन पर दिन बढ़ता गया है, लोगों की भावनाएं बढ़ी हैं और लोगों के यहाँ पे काम सिद्ध हुए हैं और हो रहे हैं, इसलिए इनकी और ज्यादा लोगों के मन में मान्यता। हाँ मैं सुबह से देख रहा हूँ कि आपके पास एप्लीकेशन आए जा रही है। मैं जब से देख रहा हूँ तब से मेरे सामने 50-60 एप्लीकेशन आ गई है। तो वो फाइल का गड्ढा जो सुबह इतना था वो इतना मोटा हो गया अब तक आते आते आते, ये शाम तक है ना इतना हो जाएगा जी। तो अभी तक की जैसे इसमें आप लोगों ने जैसे 2023 या 2022 में रहे, तो आपकी मैक्सिमम जो नंबर ऑफ काउंटिंग रथ वगैरह की कितनी रही होगी? 122 रही है मैक्सिमम, अभी तक 122 रही है। इस बार भी उम्मीद है कि 125-100 के बीच में हो जाएगी। जी 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 जी। और जैसे आपकी ये यात्रा निकलेगी, इसका स्वरूप क्या रहने वाला, क्या किस तरह से निकालते हैं आप लोग ये यात्रा? देखो यात्रा तो मंदिर से बाबा का रथ सबसे पीछे रहता है। जी जी। बाकी जितने हमारे आइटम और भी हैं, डीजे हो, सीनरी हो, वे सब उसके आगे चलते हैं। जी जी। ये मंडी गेट पे इनको सबको सीजरी लगा दिया जाता है, प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो नंबरिंग हम जिसको देते हैं वो एक हम छोटे से बैनर बनाकर उसको नंबर डालकर प्रशासन को हैंड ओवर कर देते हैं। जी जी। प्रशासन प्लस एक हमारा आदमी एक यहाँ पर डेस्क लग जाती है, वहाँ पे बैठ जाते हैं, सबको सीनरी लगा देते हैं और सबके पीछे वो सीरियल वाइज आप उसी हिसाब से लगा देते हैं, 1 2 3 4 में अकॉर्डिंग, उसी का अकॉर्डिंग यात्रा आगे बढ़ती रहती है। जी जी। तो सर जैसे ये यात्रा निकलेगी, इसमें कुछ आपकी टर्म्स एंड कंडीशन भी है? किस चीज कैसी नहीं, जैसे लोग अपने झांकी लेके आते हैं या जो सवारी लेके या साउंड लेके आते हैं उनके साथ आपकी कोई कंडीशन नहीं है, भजन गाएंगे
और कोई अभद्रता वाली झांकी नहीं हो। हाँ मोमोची तो यही तो कंडीशन में आती है ना कि आप लोगों को कुछ तो रही होंगे ना कंडीशन कि भाई आप बाबा से रिलेटेड रखेंगे, प्रसाद बांटेंगे, साउंड भी बजाएंगे, तो उसको से रिलेटेड जैसी भी होगा एक उसको देखते हुए ही वो झांकी को लाएंगे। जी 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 हाँ, मेरे को यही मालूम करना था। और सर इसका रूट क्या रहने वाला है? रूट तो पूरा शहर है, मुजफ्फरनगर पूरा शहर जी, मंडी शहर, मोती महल, सराफा बाजार, भगत सिंह रोड, गांधी कॉलोनी जी, द्वारकापुरी, मंडी सभी। एक मिनट इसको बंद कर रहा हूँ वरना गड़बड़ हो जाए, किसका बज रहा है। पूरे शहर में घूमती है। और टाइमिंग? सुबह 10 बजे के करीब यहाँ से चालू होती है जी, और सुबह ही अगले दिन 5:30 बजे वापस आती है। तो यानी कि पूरा दिन और एक तरह से रात घूम के 17-18 घंटे करके वापसी मंदिर पर आकर ही समापन होता है। हाँ जी, मैं जी। और प्रशासन का कितना सहयोग रहता है जैसे इसमें? प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। और प्रशासन की कुछ गाइडलाइन भी आई होंगी? हाँ, प्रशासन की गाइडलाइन एक तो डीजे की हाइट की है जी, क्योंकि यहाँ पे शहर में तारों जितने भी तार डले हुए हैं उनकी हाइट ज्यादा ऊंची नहीं है जी, जी, यदि डीजे ऊंचे होंगे और किसी के साथ कोई हादसा हो सकता है तो फिर उससे थोड़ा डर रहता है। भाई एक उनकी डीजे की वॉल्यूम और डीजे की हाइट, यही दो उनकी कंडीशन है, बाकी तो ऐसी कोई। हाँ, जैसे मैंने पिछले साल 2023 में मैं यहाँ पे आया था कवर करने यात्रा को, तो इसमें जो आपके डीजे सेटअप वगैरह थे वो आप मेन रोड पे ही रोक दिए गए थे, शायद बड़े डीजे अंदर नहीं आए थे। महल सराफा बाजार में जा नहीं सकते क्योंकि उनकी छोटी गलियां हैं, हो सकता है इस बार भी वो प्रकाश टाकी मतलब वो उससे पहले ही अंसारी रोड के बाद में जिसकी रोड पे काट दी जाए, शिव चौक के बाद में फिर वो अपने स्थान पर लग जाएंगे। हाँ, तो अंदर जो आपकी ये मंडी वगैरह है, गुड़ मंडी है या क्या, फूल मंडी, क्या चीज, इसमें कोई दिक्कत तो इसमें आपका जो झांकियां और बैंड बाजे रहेंगे। हाँ। साउंड आपकी बाहर से मिलेगी उनके साथ? नहीं नहीं, वो मंडी में नहीं, सिर्फ मोती महल, मोती महल और सराफा बाजार, सिर्फ कंजेस्टेड एरिया, ओनली दो एरिया मोती, फिर रिपीट कर रहे हैं हम आपको, ओनली मोती महल और सराफा बाजार बस। छोटे डीजे भी चलेंगे जी जी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी बाइट रही है और आपको पता लग गया होगा कि क्या तो रूट मैप रहने वाला है और क्या कंडीशन होने वाली है। तो मैं सर से चाहूंगा कि अगर आप लोग कुछ, जैसे आप समझ सकते हैं यंग ब्लड होता है, थोड़ा उल्लड़ होते हैं, थोड़े से जोश भी ज्यादा होता है, तो ऐसे लोगों को या आप अपनी जो आपके कमेटी में शामिल होने आ रहे हैं जो झांकी वगैरह लेके आ रहे हैं, उन लोगों को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मेरी बात अभी, क्योंकि ये 10 मिनट में अपलोड हो जाएगी और उन सब तक पहुंच जाएगी। देखो जी, हमारा तो कहना यही है कि जो भी डीजे लाए वो एक नियमित हाइट जो प्रशासन ने नियुक्त किया उस तक लाए जी, और मर्यादा में ही सीनरी को लगाए, भाई यही हमारी उनसे अपील है। समझ, जो मर्यादा का उल्लंघन करेगा उसको उसका दंड भोगना पड़ेगा, तो निकाल दिया जाएगा। सीधी सीधी बात ये नहीं, है मेरा कहने मतलब उसको, देखो दंड देने वाले बाबा है जी जी जी, उनके दंड से कोई बच नहीं सकता। यदि हम भी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो दंड हमें भी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आप लोग कुछ और कुछ बात कहना चाहते हो सवारी से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड, या कुछ और अपनी कोई भावनाएं रखना चाहते हो तो अभी बता सकते हैं आप लोग। हाँ, आप बता दीजिए ना कि कैसे कैसे रूप रहने वाला है। ये सर को दे दूंगा, बाबा का श्रृंगार प्रातः 8 बजे मंदिर में महाआरती होगी, उसके बाद यात्रा का शुभारंभ होगा और 56 भोग वगैरह सब वितरित होगा, और यानी कि परसों 24 तारीख को रात्रि में जागरण होगा, विशाल जागरण, इसमें सभी नगरवासी आमंत्रित हैं। 25 तारीख को विशाल भंडारा दोपहर 12 बजे होगा, उसमें भी सभी भक्तजन नगरवासी भगवान का भोग लेके अपने आप को पुण्य के भागी बने। जय बाबा, जय बाबा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत सारी आपको जानकारी मिल गई है, तो मेरी भी एक पर्सनल रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि खास तौर से डीजे वालों से, क्योंकि वो थोड़ा बेस को कंट्रोल रखें, शहर है, शोरूम होते हैं, किसी के बर्तन हिल जाते हैं, किसी के शीशे हिल जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल रखें और सभ्य तरीके से बाबा की यात्रा निकालें और बाबा का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहें। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी यात्रा निकलेगी, मजा हमको भी आएगा और आप सब लोगों को भी आएगा। तो एक जयकारा लगा देते हैं बाबा का और अपनी यात्रा इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव।